स्वागत है आपका फ्री कोड चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अमेज़न ऐप स्टोर पर लिस्टेड कैसे करेंगे अपने एप्लीकेशन को। अगर आपको एप्लीकेशन बनाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, आपको मैं फ्री में सोर्स कोड भी प्रोवाइड करता हूँ। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस पर लिख देना है डेवलपर अमेज़न कंसोल। जो पहला लिंक आएगा हम उस पर क्लिक कर देंगे। अमेज़न प्ले कंसोल पर मैंने पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा है। चलिए मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा अकाउंट खुल चुका है। आपको क्लिक करना होगा नीचे क्रिएट योर अमेज़न डेवलपर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपको ये आपका खुल चुका है। यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है और अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना है। क्रिएट करते ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलिए मेरा तो पहले से हो चुका है तो मैं अपना अकाउंट पे आ जाता हूँ अपने। इस पे हम क्लिक कर देंगे और ये अकाउंट ओपन हो चुका है। देख सकते हैं आप इसका इंटरफेस। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी अपना अकाउंट क्रिएट करने में। ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा तो ये आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होता है। अगर आपको सैमसंग ऐप स्टोर पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, ये भी आपको फ्री मिल। सैमसंग ऐप स्टोर पे भी आप अकाउंट बनाकर फ्री में अपनी एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं या अपनी ऐप को लिस्टेड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करनी है तो आपको गूगल प्ले कंसोल अकाउंट लेना होगा, जिसके लिए आपको $25 की पेमेंट करनी होगी। अगर आपके पास $25 अभी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप अपनी ऐप को अमेज़न ऐप स्टोर पर भी डाल सकते हैं। अपनी ऐप को अमेज़न ऐप स्टोर पर पब्लिश करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं अपनी ऐप पब्लिश करने के लिए, चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ग्राफिक बैनर चाहिए होगा, ऑफ कोर्स एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जो हमें अपलोड करनी है, और एक हमें प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक चाहिए होगा। ऐप टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये आपको ऐप पब्लिश करने से पहले ही अपने पास रख लेनी है चीज़ें। लोगो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गई, ये आपको ऐप पब्लिश करने से पहले ही आपको अपने पास रख लेनी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अमेज़न ऐप कंसोल पर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम अपनी ऐप को लिस्टेड करते हैं। ऐड ए न्यू ऐप पे हम क्लिक कर देंगे और एंड्रॉयड ऐप पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी ऐप को पब्लिश किया है ये सारी शो हो रही हैं। चलिए हम अपना ये कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा ऐड ए न्यू ऐप पे हम क्लिक कर देंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आपको मैं फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐड ए न्यू ऐप पे हम क्लिक कर देंगे, एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। वेट करेंगे थोड़ा, ये खुल चुकी है। यहाँ ऐप टाइटल हमें डालना होगा, तो चलिए हम अपने वर्ड फाइल पे चलेंगे जहाँ पे हमने अपना ऐप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रख रखा है, तो यहाँ से हम चलिए टाइटल को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और अपने अमेज़न ऐप कंसोल पे आ जाएंगे। इसे मिनिमाइज कर देंगे, यहाँ हम कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ये हमारा टाइटल हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे भी हमने ऐप SKU करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं अपनी वर्ड फाइल पे फिर से, इसे हम मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ हम आ चुके हैं अपने वर्ड फाइल पे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चलिए अब हम इसे कॉपी कर लेंगे और अपने अमेज़न ऐप कंसोल पे आ जाएंगे और यहाँ हम कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे,
और ये ऑन आगे लिखा हुआ है, इस ऑन को हम कट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हमें ऐप कैटेगरी देखनी होगी कि हमारी ऐप किस कैटेगरी में आती है। तो हम चलिए हम देख लेते हैं। जैसे हमारी फ़ोटो एडिटर ऐप है तो हमारी ऐप देख लेते हैं किससे रिलेटेड होगी, चेक कर लेते हैं। आपको इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी ऐप जिस कैटेगरी की होगी आप वही सिलेक्ट करें, नहीं तो आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे मेरी फ़ोटो एडिटर है तो चलिए मैं देख लेता हूँ मेरी किससे रिलेटेड है। देख सकते हैं फ़ोटो एंड वीडियोस, इससे रिलेटेड है मेरी ऐप, तो चलिए मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखा है पहले से ही, और आपको यहाँ सब कैटेगरी और आ जाएगी, इसमें से भी हमें चेक करना होगा कि हमारी किससे रिलेटेड होगी। चलिए मैं देख लेता हूँ, फ़ोटो शेयरिंग है मेरे में ऐप के अंदर फीचर। जो जो आपके ऐप के अंदर फीचर होंगे वो देख लेने हैं आपको कि आपके फीचर क्या क्या ऐप के अंदर हैं, उन्हीं पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से काम, तो चलिए हम ऊपर से नीचे देख लेंगे कंप्लीट है, वैसे सेव कर देंगे, थोड़ा टाइम लगता है अगर आपकी नेट स्पीड कम है तो। ये सेव हो गया है, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं हम। इसके 6 स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे सारे स्टेप पे, तो इसे हम चेक कर लेंगे ये हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। देख सकते हैं आपको ये 6 स्टेप होंगे इसके, ये पहला स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप टाइटल भी आ चुका है हमारा लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पेड है या फ्री है, यहाँ से हम चेक करेंगे, क्लिक कर देंगे। हमारी फ्री ऐप है तो हम फ्री पे ही क्लिक करेंगे। चलिए हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, इसे हम सेव कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे फिर हम। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं आप। चलिए हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन थर्ड स्टेप है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऐप टाइटल हम पहले ही डाल चुके थे तो ऐप टाइटल हमारा पहले ही शो हो रहा है। अब हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा तो हम चलिए यहाँ से कॉपी कर ले देंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे हम और अपने अमेज़न कंसोल अकाउंट पर आ जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना होगा तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से फिर से हमने कॉपी कर लिया। और चलिए हम चलते हैं हम अपने अमेज़न प्ले कंसोल पर, यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें फीचर डालने होंगे, ये हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ हमें कीवर्ड डालने होंगे अपनी ऐप से रिलेटेड। चलिए मैंने फ़ोटो एडिटर लिख दिया है, आप चाहें तो जो आपकी ऐप से रिलेटेड कीवर्ड हो वो डाल सकते हैं, बहुत सारे, मैंने एक ही डाला है और सेव कर देंगे। ये सेव हो गया, थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप एडिट भी कर सकते हैं फिर से। चलिए हम फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपने ऐप का लोगो अपलोड करना होगा। जैसे कि हमने पहले से ही डेस्कटॉप पे रख रखा है अपना लोगो, तो चलिए हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। लोगो भी हमारा अपलोड हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप हमारा स्क्रीनशॉट अपलोड करनी होगी हमें। चलिए हम स्क्रीनशॉट भी हमने पहले से बना रखी हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट बनाने नहीं आती नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। आप इसके अंदर 3 से कम स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं कर सकते, जैसे कि हमने अपनी स्क्रीनशॉट अपलोड कर दी है, और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट का साइज भी देख सकते हैं, यही साइज होना चाहिए। अगर आप इससे कम या ज़्यादा कर देंगे तो आपकी स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं होगी। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुकी है। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉ भी कर सकते हैं,
अगर आपकी स्क्रीनशॉट आगे पीछे हो गई हो तो आप उसे आगे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे आपके एडजस्ट हो जाए, आप जैसे मेरी ये लोगो भी लग चुका है और स्क्रीनशॉट भी हमने अपलोड कर दी है लगभग। चलिए अब हम चलते हैं अपने बैनर, यहाँ पे हमें अपना ऐप बैनर अपलोड करना होगा। जैसे मैंने पहले से ही बना चुका हूँ बैनर, तो ये मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैनर का साइज़ यही होना चाहिए, अगर आप इसे ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देंगे तो आपका बैनर भी अपलोड नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ये देखिए मेरा जैसे बैनर भी अपलोड हो चुका है। यहाँ आपके अगर आपने कोई वीडियो बना रखी है तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन की सारी डिटेल पता चल जाएगी, जिससे आपके डाउनलोड ज़्यादा आएंगे। चलिए मुझ पे तो कोई वीडियो लिंक नहीं है और वीडियो नहीं है, तो चलिए मैं ये छोड़ दूंगा और देख लेंगे, और ये सेव पे क्लिक करूंगा। जैसे कि देख सकते हैं एरर आ गया है, हमें यहाँ पे लोगो अपलोड करना होगा। इसका साइज़ देख सकते हैं, आपको उसी साइज़ में बनाना होगा। चलिए मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और लोगो मैंने पहले ही बना लिया था इसका। चलिए मैं अपनी लोकेशन देख लूँगा कहाँ पर है, ये मेरा लोगो मिल चुका है, ये अपलोड कर दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में। जैसे कि आप देख सकते हैं अपलोड हो चुका है, दोनों लोगो लग चुके हैं। एक बार फिर से सेव करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, कंटेंट रेटिंग पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे हम सम्मेन नन्नन कर देंगे, नोनो कर देंगे। लेकिन आपको देखना होगा पहले कि आपकी ऐप के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं है। अगर आपके ऐप में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपकी ऐप रिजेक्ट हो सकती है। पहले तो आप यही ध्यान रखें कि ये एक्टिविटीज़ ना हो आपकी ऐप के अंदर, नहीं तो वो ऑलरेडी पहले से ही रिजेक्ट हो जाएगी आप अपलोड करेंगे तो। आप ऑडियंस चेक कर लेंगे, आपको किन किन ऑडियंस के पास आपको अपनी ऐप शो करनी है, और देख लेंगे आपके ऐप के अंदर एडवर्टाइजमेंट है तो यस करेंगे। जैसे मेरी ऐप के अंदर एडवर्टाइज है तो मैंने यस कर दिया है, और बाकी मैं नो कर दिया है। यहाँ पे हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक पेस्ट कर देंगे। चलिए हम चलेंगे अपने वर्ड फाइल के अंदर और यहाँ से हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। ये हो चुका है, चलिए हम सेव कर देते हैं। देख सकते हैं ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक ही एपीके फाइल पे आ जाएंगे हम, लास्ट स्टेप है फाइनल। चलिए हम ये फर्स्ट पे जाके हम नो ही रहने देंगे, इसके अंदर हम नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे अपनी ऐप की लोकेशन देखेंगे कहाँ पे हमारी ऐप की लोकेशन है, जैसे हमारी मिल चुकी है, हम इसे सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वेट करेंगे हम। यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे कि आपकी ऐप के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश लिख दिया पे टिक कर दिया हमने। आपकी ऐप के अंदर जो लैंग्वेज होगी आपको वही टिक करना है। यहाँ पे हम अपनी फोटो एडिटर लिख देंगे टैग और डन पे क्लिक करेंगे। पहले ही हमें अपलोड होने में टाइम लगेगा, चलिए हम थोड़ा वेट कर लेंगे, अपलोड होने देंगे। और इस वीडियो में नए व्यूवर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ और आपको फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ। जैसे हमने अपलोड हो गई थी, हमने डन कर दिया है, देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। 6 के 6 से स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए हम सबमिट ऐप पे क्लिक कर देंगे, हमारी ऐप रिव्यू में चली जाएगी। देख सकते हैं ऐप सक्सेसफुली आ रहा है, लिखा हुआ सबसे ऊपर।
हमारी ऐप रिव्यू में जा चुकी है, जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं, आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है, तो ये हमारी कल पब्लिश हो जाएगी 3 AM सुबह हमारी ऐप ये पब्लिश हो जाएगी Amazon प्ले कंसोल पर, Amazon ऐप स्टोर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आपको फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ।